अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जी एलेक्सनेट, अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इनकी लेयर्स को देखेंगे कि जी ये किस तरह लेयर्स के जरिए हम लोग फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हम इसको अपना एसवीएम को पास करेंगे और देखेंगे कि जी ये वैल्यू चुन सी हैं, किस तरह चुन सी हैं वो प्रिडिक्ट की जा सकती है। चलिए देखते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि जी ये क्लीन कर देता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ से सारा कुछ क्लियर कर दिया। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि जी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास कुछ प्लांट्स की इमेजेस हैं, ठीक है। ये जैसे हमारे पास प्लांट्स की इमेजेस, हमारे पास ट्रेनिंग इमेजेस है जी कुछ, ठीक है। 40 के करीब हमारे पास ट्रेनिंग इमेजेस हैं और ये तीन क्लासेस की हैं, क्लास 0, क्लास 2, क्लास 3। ये डिफरेंट इमेजेस हैं देखने की। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इनको क्लासिफाई करना है, लेकिन हमने इसको डीप फीचर्स लेने हैं। कौन से फीचर्स लेने हैं जी? डीप फीचर्स को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए क्या किया कि जी हमने इसका यहाँ पर पाथ सबसे पहले सिलेक्शन की जी। हमने सबसे पहले इसको इसकी पाथ सिलेक्शन की। पाथ सिलेक्शन किस तरह की कि जी यहाँ पर ये, अगर आप लोगों को पास बैग ऑफ वर्ड या बैग ऑफ फीचर्स वाला एसवीएम विद हॉग फीचर्स वाला हमारे अगर, और बैग ऑफ वर्ड वाला अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा हो प्रोग्रामिंग का, तो उसके अंदर ये चीज मैंने पहले से बताई हुई थी कि ये कैसे होता है। यहाँ तक क्या है कि जी हम लोगों ने उसको उसका पाथ सिलेक्शन किया। हमने क्या किया जी? पाथ सिलेक्शन। ये जी हमारे पास तमाम फोल्डर्स आ गए हैं जी। हर फोल्डर जितनी भी हैं जी, ये फोल्डर्स हैं जी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब फोल्डर्स में जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल के जी हमारे पास कितनी डायरेक्टरीज क्या थी, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ठीक है। हमारे पास कैटेगरीज का हम लोगों ने यहाँ पर बनाया जी, ठीक है क्या जी? ये हमने कैटेगरीज बना दी जी। हमने बता दिया जी C0, C2 एंड C3 जो फोल्डर्स के नेम है, हमने उन्हीं को ही पिक कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाली लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है जी, सही है। ये हम डायरेक्ट यहाँ पर रन करके पूरी की पूरी कोड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम वन बाय वन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये चीज देखना चाहते हैं। इसने क्या किया कि जी यहाँ पर जितनी भी इमेजेस थी, ठीक है, जितनी भी फाइल्स थी, तीनों फोल्डर थी, वो 120 इमेजेस, 40 मल्टीप्लाई बाय 3, 120 इमेजेस जो सी हैं उसने उसको पिक कर ली। अच्छा, इसके बाद क्या किया कि जी हमने इसको मिनिमम काउंट, हमने इसके अंदर देखा कि जी मिनिमम इमेजेस कितनी है। वैसे हमारे पास 40 इमेजेस हैं तीनों फोल्डर्स में, तो मिनिमम 40 ही बनती हैं। अगर तो 40 नहीं होंगी, ठीक है, किसी के अंदर कम ज्यादा होंगी, तो वो क्या करेगा कि जी यहाँ से स्प्लिट करेगा, सही है, तो रैंडम इमेजेस को, और यहाँ पर काउंट करेगा जी ईच लेबल को, ठीक है। कौन सी इमेजेस उठानी है उसने जी? मिनिमम सेट वाली। लेकिन सारों के अंदर 40 है, तो ये तीनों की जो थी हमारे पास 40 इमेजेस उसने बता दी कि जी हर एक के अंदर 40 40 40 इमेजेस उसने पिक कर। अब आते हैं कि अपना प्री ट्रेन मॉडल्स की तरफ। हमारे पास ये एक फंक्शन है जी एलेक्सनेट, जैसे कि जी हम लोग पहले से डिस्कशन करते आ रहे थे। अगर आप लोगों को ये देखा होगा कि जी इसकी हमने डिस्कशन की थी, हमने इसको कहा था कि जी इसके अंदर इतनी कन्वोल्यूशनल लेयर है, इतनी फुली कनेक्टेड लेयर है, और ये हमारे पास सॉफ्ट मैक्स लेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको नेट के बारे में थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता हूँ। ये हमने जी नेट को एग्जीक्यूट कर लिया। ये बिल्ट इन फंक्शन है। अगर तो ये आपके पास नहीं होगा, तो ये आपको कहेगा कि जी आप इसको जो सा है अपनी एप्स के अंदर इंक्लूड करवाएं, ठीक है, एड ऑन, एड इन के जरिए वो आप इसको इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड करवाने के बाद अगर मैं इस नेट के ऊपर आप जाऊं, तो ये देखें कि जो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, इसने बताया लेयर है 25 लेयर है, इसके अंदर 25 लेयर हैं, लेकिन इसकी डेप्थ कितनी है जी? 8 लेयर की। ये देखें जी इसके अंदर कन्वोल्यूशनल लेयर है, कन्वोल्यूशनल 1 लेयर है, 96 इसके अंदर फिल्टर लगे हैं, नंबर ऑफ चैनल 3 हैं, ठीक है। ये कलर इमेजेस भी हैं इसके पास कोई। अच्छा,
फिर इसके अलावा जो सी है इसकी बाइस वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है जी हमारे पास, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो सा है हमारे पास क्या है कि जी स्ट्राइड कितना है जी 4। ये एक कन्वोल्यूशनल लेयर की इंफॉर्मेशन है। इसी तरह ही अगर इसको देखें तो यहाँ पर इसकी रेक्टिफिकेशन लेयर है, फिर क्रॉस चैनल नॉर्मलाइजेशन लेयर है, मैक्स पूलिंग, ठीक है ना जी, ग्रुप कन्वोल्यूशनल लेयर, वीलू, ठीक है, ये वो सारी लेयर हैं। लेकिन हमने कौन कौन सी करनी है जी, कन्वोल्यूशनल लेयर, एक कन्वोल्यूशनल लेयर, दूसरी कन्वोल्यूशनल लेयर, ये एक फुली कनेक्टेड लेयर आ गई जी, ठीक है, ड्रॉप आउट लेयर आ गई फुली कनेक्टेड। यहाँ पर जो कन्वोल्यूशनल लेयर थी वो कितनी आ गई जी, एक, ठीक है, दो, तीन, चार, ये पांच, पूरी टोटल 5 लेयर हैं। कन्वोल्यूशनल 2D लेयर एक, कन्वोल्यूशनल 2D लेयर टू, दो हो गई हमारे पास, ये तीन आ गई। अब ये देखें कि जी इस कन्वोल्यूशनल लेयर का साइज डिफरेंट है, 192 है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं जी, 2 हैं, सही है, ये डिफरेंट है, हर कन्वोल्यूशनल लेयर डिफरेंट होगी। और आखिर में हम लोगों के पास ये फुली कनेक्टेड लेयर है, ये कौन सी है जी, इसका नाम है जी FC6 लेयर। इसके अंदर जो नंबर ऑफ फीचर्स ये एक्सट्रैक्ट करके देता है, 4096 फीचर्स हमें देता है। फिर इसी तरह ही, ठीक है, इसके पास वापस चलते हैं जी, नेट के पास, सॉरी, ये फुली कनेक्टेड लेयर। इसी तरह ही जो नेक्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर है वो कहलाती है जी FC7 लेयर। इसके पास भी 4096 है और इनपुट कितना है जी, 4096, जबकि FC6 के पास कितना था जी, इनपुट 9216 इनपुट था और 4096 फीचर्स हमारे पास आते थे। लेकिन यहाँ पर जो सी हमारे पास लेयर है, यूजली हम लोग इस लेयर को यूज नहीं करते, इसके 1000 फीचर्स हैं जी। इनपुट इसको कितना मिला है जी, 4096 इनपुट है जी, और इसको FC8 लेयर कहते हैं। जहां तक ये है कि जी इस नेट के पास कौन सी डेप्थ था, वो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बताया था कन्वोल्यूशनल लेयर है जी, कन्वोल्यूशनल लेयर है, ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी बनती है, इसके अंदर दो फुली कनेक्टेड लेयर हैं जिनके हम फीचर यूज करते हैं और एक सॉफ्ट मास्क लेयर है, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसकी पहली लेयर और आखिरी लेयर हमने इसकी पिक कर ली, पहली और आखिरी लेयर में से जो सी है वो हमने यहाँ पर जो सी क्या है पिक कर ली। फिर इसके बाद हमने इनपुट साइज यहाँ से देखा, लेयर वन का वन ऑफ वन इनपुट साइज, तो वो हमारे पास अगर देखें तो हमने इसको अंदर कितना बताया हुआ था कि जी इसको कितने बाय कितने के जी, 27 बाय 27, इस चीज की हम लोगों ने इनपुट साइज बताया था कि जी ये इमेज हमारे पास 27 बाय 27 की होगी। हमने ये सारी इसी हमें डाटा सेट के अंदर एक फंक्शन हमने इसको कॉल करवा दिया, जिसके अंदर हमने सारी इमेजेस पास करेंगे और इनका साइज ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा जी, रीसाइज कर देगा। जितने भाई यहाँ पर अगर हम लोग अपने डाटा बेस में आए तो इसकी इमेज का जो साइज हमारे पास बनता है वो बनता है जी कितने बाई कितने का, डिटेल्स में हमें पता लगेगा, 256 मल्टीप्लाई बाय 531। लेकिन इन सारों का साइज वो ये फंक्शन क्या कर देगा, इस फंक्शन के अगर अगर हम रीड एंड प्रोसेसिंग में आए तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, आई एन रीसाइज का फंक्शन कॉल कर रहा है, जो हम इसको साइज बताएं ये उतने साइज का ये फीचर्स को कन्वर्जन कर दो। अच्छा, हमने इसको स्प्लिट यानी कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग में अलग अलग किया, सही है। ये अगर आपने टेस्टिंग और ट्रेनिंग जो सी हैं इमेजेस को अलग अलग करना है और बताना है कि जितनी टेस्टिंग है इतनी ट्रेनिंग है, सही है, और उसको वैलिडेट करना है, तो ये फंक्शन जो सा है आप इस तरह कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 90% ट्रेनिंग कर रहा है, आप लोग यहाँ पर 50-50% ट्रेनिंग भी कहकर जो सा है वो यूज कर सकते हैं। 90% इसलिए कहा है कि जी मेरे पास क्योंकि टेस्ट सेट अलग है, मैं नहीं चाहता कि जी इसको टेस्ट सेट के तौर पे यूज करें, लेकिन फिर भी मैंने 10% जो है इनमें से ऐसी इमेजेस हैं
जो कि क्या है, टेस्टिंग के लिए यूज की है, अगर आपने ग्रुप ऑफ इमेजेस को एक ही दफा चेक करना है। ये हम लोग इसको क्या कर रहे हैं इस लाइन ऑफ कोड के अंदर कि जी हम लोग वेट फॉर द सेकेंड कन्वोल्यूशनल लेयर की हम वेट कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन ऑफ कोड अभी फिल वक्त हमारे पास यूज नहीं हो रही। सही है, हमने इस जगह पर इसकी फीचर लेयर FC7 को पिक किया। कौन सी लेयर हमने इसकी पिक कर ली थी? FC7 लेयर। यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ कि जी इसको भी एक दफा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। फीचर लेयर, हम किस फीचर लेयर से फीचर ले रहे हैं, ये उसका नाम आ गया FC7 लेयर। अब हम इसको क्या करने लगे हैं जी, ट्रेनिंग करने लगे हैं। इसको क्या करने लगे हैं जी, ट्रेनिंग करने लगे हैं। नेट एलेक्स नेट है, ट्रेनिंग सेट आ गया जी। यहाँ पर जो से हमने 90% इमेजेस आफ्टर 40 में और फीचर लेयर FC7 इसको पास की, ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, एक ट्रेनिंग फीचर। यहाँ पर जितने भी फीचर हैं वो सारे के सारे, वो क्या करने के बाद वो क्या कर देगा, इसके सारे के सारे फीचर्स को पिक कर ले। अगर मैं इसके अंदर आए, इस ट्रेनिंग फीचर्स के अंदर आऊँ मैं, ठीक है, तो वो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर, ट्रेनिंग फीचर्स के अंदर, वो क्या कह रहा है कि जी टोटल 108 इमेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर 40 का जो सा है मल्टीप्लाई बाय 0.9 करूँ तो टोटल इमेजेस कितनी बनती है जी, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 108। टोटल 108 इमेजेस हैं हमारे पास। यहाँ पर क्या बता रहा है, हमारे पास 108 इमेजेस के और 4096 फीचर्स। जैसे हमने एलेक्स नेट के अंदर यहाँ पर FC जो सी लेयर थी हमारे पास, ये FC7 लेयर, तो वो कितने हमें आउटपुट दे रहा है जी, 4096 फीचर्स। यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 4096 फीचर्स। ठीक है, अब हमने इन 4096 फीचर्स को, अब यहाँ पर जो सेकेंड जो है वो इसके लेबल्स उठाने हैं हमने। ये हमारे पास जो सा ट्रेनिंग सेट डॉट लेबल्स, जो हम लोगों ने अभी ट्रेनिंग सेट यहाँ से पिक किया था, यहाँ पर बनाया था, सेपरेट किया था जिस टाइम हम लोगों ने ट्रेनिंग सेट, तो इस ट्रेनिंग सेट के पास हमारे पास जो सेकेंड कॉलम के अंदर आ रहा है वो उसके लेबल्स आ रहे हैं, हर क्लास के लेबल्स। हमने अब ये लेबल्स हमने यहाँ से पिक करने हैं जी, सही है, तब कि हम लोग इसको एक्स और वाई यानी कि जी लेबल के अगेंस्ट हम इसको प्लेस कर सकते। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया जी, ये लेबल्स को मैंने ट्रेनिंग कर, ये ट्रेनिंग लेबल्स आ गए हैं जी हमारे पास। अच्छा, अब हम इसको क्या करने लगे हैं जी, इसको ट्रेन करने लगे इन फीचर्स को जो हमने DCNN यानी कि डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के फीचर यूजिंग AlexNet ऑन FC7 लेयर्स के ऊपर हमने लिए थे 4096। हम इसको क्या करने लगे हैं जी, क्लासिफायर के जरिए ट्रेन। अब यहाँ पर जो सा क्लासिफायर वो लेता है वो मल्टी क्लास SVM को पिक करेगा और इसको ट्रेन करेगा। आप फ्यूचर के अंदर इस क्लासिफायर को सेव भी कर सकते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद जो सा है हम लोगों ने सही एक टेस्ट इमेज लेनी है, उसका उसको भी 27x27 को करना है, 27x27 करना है। ये मैंने टेस्ट इमेज रीड कर ली। अगर मैं टेस्ट इमेज के पास आऊँ तो ये कहता है कि जी इसका साइज है जी 27x27 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि जी कलर इमेज है हमारे पास, हम इसको पास करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसको क्या करना है, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी, ये वही वाला फंक्शन है जो अभी आपने यहाँ पर ट्रेनिंग फीचर्स लेने के लिए यूज किया था। अब यहाँ पर नेट वही यूज होगा। अब ट्रेनिंग सेट की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर टेस्ट इमेज को दे देंगे और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग जी, फीचर लेयर ले लेंगे। सही है, फीचर लेयर लेने के बाद हम लोगों ने इसको क्या करना है कि जी इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, एक्टिवेट, एक्टिवेशन की, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ जी, प्रिडिक्शन। ये हमारे पास जी आ गया, उसने बताया कि जी ये जो आपने इमेज पिक की थी वो ये देखें जी इस फोल्डर से ली थी, तो उसने मुझे उसको प्रिडिक्ट करके बताया कि जी ये चीज इस फोल्डर की है। अभी इसके बाद हम लोग
16 के ऊपर देखेंगे कि जी उसके फीचर कैसे लेते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस एलेक्सनेट के फीचर के ऊपर, तो हम लोग लाइव डिस्कशन के ऊपर कर लेंगे। डिस्कशन फिल वक्त के लिए जो सा है हमारे पास क्या है, एलेक्सनेट। और अभी जो हम लोग नेक्स्ट जो सा है अपडेट करेंगे, वो VVG 19 और VVG 6 के फीचर को एक्सट्रैक्ट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इजाजत चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम।